और वाराणसी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिगरा थाने की पुलिस ने कैंट रेलवे स्टेशन से 68 वर्षीय एक व्यक्ति को नशीले सफेद पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से बरामद नशीले पाउडर की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जौनपुर जिले के मढ़ियाहूं थाना के सुभाषपुर पाली निवासी प्रेमचंद तिवारी के रूप में हुई है। इसके पूर्व भी उसे नशीले पाउडर की सप्लाई में मुंबई तथा जौनपुर में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका मुकदमा विचाराधीन है। नागरिक टास्क फोर्स है, उसको एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमने एक व्यक्ति को जो हमारे को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी, इसका नाम है प्रेमचंद तिवारी, इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से 450 ग्राम MD मेफेड्रोन, जिसको बोलते हैं ड्रग्स, वो बस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था और वहाँ पे बेचने का ये काम करता था। इससे पहले भी इसके ऊपर एक मुकदमा जौनपुर से लिखा गया है। साथ ही साथ अभी हमने और पता किया है तो इसके ऊपर कल्याण जो मुंबई है वहाँ पे भी एक मुकदमा इसके ऊपर सेम ड्रग्स को बेचने के उसमें मिला है और इस व्यक्ति को अभी हमने पकड़ा है। हम इससे पूछताछ और करेंगे, इसके लिए पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे।